नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम इमली का पल्प बनाएंगे। ये बड़ी आसानी से बन जाता है। इसे एक बार बनाकर हम फ्रिज में रख लें, तब हम इसे किसी भी चटनी में, सांभर में या कहीं भी हमें इमली के खटाई का यूज़ करना है तो फटाफट कर सकते हैं। तो आइए इमली का पल्प बनाना शुरू करते हैं। इमली का पल्प बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम इमली ले ली है। कहीं भी किसी भी दुकान पर यह इमली इसी तरह के पैक में मिल जाती है। इसमें छिलका हटाया हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर बीज और बहुत सारा फाइबर होता है। तो सबसे पहले हम इमली को छोटा छोटा तोड़कर हल्के गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो देते हैं। तो हमने इमली को पहले से भिगो कर रखा हुआ है। इमली भीग कर काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो हम इसे हाथ से मैश करेंगे, यानी इमली के पल्प को उसके फाइबर से अलग करेंगे। ये इमली को हमने 3-4 मिनट इस तरीके से मसल लिया है, तो ये इसका पल्प के फाइबर से अलग हो गया है। तो हम इस तरीके से पहले तो हाथ से इसके फाइबर को अलग कर देते हैं। इमली का काफ़ी फाइबर निकाल दिया है। अब हम इस पल्प को छानेंगे। ये हमने सूप छानने वाली छलनी ले ली है, इसमें हम पल्प को डाल देते हैं और इस तरीके से मोटी चम्मच ले लें, उसे दबा दबा कर हम इसको छलनी से छानेंगे। हमने इमली को भिगोने में 2 कप गर्म पानी का यूज किया था। ये पल्प नीचे आ गया है प्याले में और ऊपर हमें छलनी में बीज और फाइबर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी पल्प है अभी। तो अभी हम इसको हाथ से, जैसे हमने पहले फाइबर अलग किया था, उसी तरीके से हाथ से दबा कर फाइबर को अलग कर लेते हैं। हाथ से थोड़ा सा आसानी से दबकर ये अलग हो जाता है। ये जो थोड़ा सा पल्प ऊपर है, बहुत गाढ़ा है, इसको हम चारों ओर से इस तरीके से हाथ से दबा कर चारों ओर घुमाते हुए निकाल देते हैं। अब ये हमारे पास फाइबर बचा है, इसे हम हटा देंगे और जो छलनी में नीचे पल्प है, इसे हम चम्मच से इस तरीके से प्याले में गिरा लेते हैं। फाइबर में भी अभी काफ़ी इमली का पल्प है, तो हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी डालें और थोड़ा सा गर्म करें गैस पर और फिर से उसी तरीके से इसे मस लें और छलनी से छान कर और पल्प निकाल लें, या फिर हम इसे किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लें। मीठी चटनी या खट्टी चटनी बनानी है या सांभर में डालना है या किसी में भी इमली का पल्प यूज करना है, तब हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएं गर्म करके और मैश करके छान कर इसे यूज कर लें। तो अभी हम इसे रख देते हैं। अगर हमें पल्प को लंबे समय तक रखना है तो हमें इसे गाढ़ा करके रखना होगा। तो हम इसे पैन में डाल देते हैं। हम इसे मीडियम गैस पर इस तरीके से चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे और अगर हमें लगे कि ये उचट रहा है तो गैस धीमी कर लेंगे। ये पल्प इस तरीके से उबलता है, तो हम इसे इस तरह लगातार चलाते हुए पकाएं तो ये उचटता नहीं है और ये बहुत जल्दी पक जाता है। थोड़ी ही देर में गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा। पल्प काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसे हम गिरा कर देखें तो ये थक्के के रूप में गिर रहा है, पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमारा पल्प बनकर तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। पल्प ठंडा हो गया है, इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। तो ठंडा होकर पल्प और भी गाढ़ा हो गया है। इमली का पल्प बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा इमली का पल्प बना है और बड़ी आसानी से बन गया है। आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और कंटेनर को फ्रिज में रखिए। आप इस पल्प को पूरे 3 महीने तक रखकर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको मीठी चटनी, खट्टी चटनी या सांभर में इमली का पल्प यूज करना हो, तब आप कंटेनर से जितना भी पल्प चाहिए निकालिए, यूज कीजिए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।